हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगैन। तो आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस ये हमारा सेट 3 है, 2 सेट आपको मिल चुके हैं गाइस। 10 से 11 स्कीम जो है आपकी कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। 2 मिनिस्ट्रीज हम कवर कर चुके हैं, बारी बारी सभी मिनिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उनको हम कवर करेंगे। तो गाइस बढ़ते हैं आज के पहली स्कीम की तरफ, सेकेंड एडिशन ऑफ स्लम दाऊद। अब ये क्या है? द स्लम युवा दाऊद इज अ पार्ट ऑफ अडॉप्ट स्लम कंपेन। ये एक अडॉप्ट स्लम कंपेन का एक स्लम युवा दाऊद एक हिस्सा है, ठीक है। इसको इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने। तो गाइज क्या है, आपको बताना है कि जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, जो हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, तो वो कौन है? अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे, पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन क्या होगी यहाँ पे? कंपेन विल इन्वॉल्व ग्रुप्स लाइक NSS। इस कंपेन में कुछ ग्रुप्स होंगे जैसे कि NSS होंगी, जैसे कि नेशनल सोशल सर्विस होगी, वो होंगे, पब्लिक स्कूल्स होंगे, RWAs होंगी, NGOs होंगे, रोटरी क्लब्स वगैरह होंगे, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है गाइज। अब इसके आगे देखते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन होता क्या है। तो गाइज नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में। इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि जो रूरल यूथ हैं, ठीक है, उनको रूरल यूथ एवेन्यूज टू हिस्सा लें, वो किस में, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में वो हिस्सा लें, और एज वेल एज और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले, किससे, जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। कौन? रूरल यूथ। 1972 में नेहरू युवा केंद्र संगठन शुरू हुआ था, ठीक है। और इन द ईयर 1987 to 88, 1987 से 1988 में क्या हुआ कि नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है, नेहरू युवा केंद्र संगठन नहीं बल्कि नेहरू युवा केंद्र जो है 1972 में शुरू हुआ था, उसके बाद 1987 से 1988 में इसको नेहरू युवा केंद्र संगठन बना दिया गया, एक एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स टू ओवरसी वर्किंग ऑफ दिस केंद्राज, जो इन केंद्राज की क्या करती है, जो ये नेहरू युवा केंद्राज है इनकी वर्किंग को देखती है किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन एक लार्जेस्ट ग्रास रूट लेवल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस तरह की किस्म में, मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसी ये ग्रास रूट लेवल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ यूथ होते हैं। ये चैनलाइज करती है किसको, जो यूथ की पावर है, कि क्या पावर है यूथ में, उनको चैनलाइज करती है किस प्रिंसिपल पे, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वॉलंटरिज्म, कुछ यहाँ पे वॉलंटरी जाते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है उसमें यहाँ पे कुछ लोग वॉलंटरी बोलते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे काम करेंगे नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको ऑनरेरियम मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हैं यूथ क्लब्स, क्या होता है कि हम हर एक गाँव में यूथ क्लब बनाया जाता है। गाइस हमारे गांव में है, आई होप कि आप सबके गांव में भी होगा, यूथ क्लब बनाया जाता है, जिसमें कि यूथ को कोई सेक्रेटरी होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई जनरल सेक्रेटरी होता है, इस तरह से उनको अलग अलग ओहदे यहाँ पे दिए जाते हैं, एक हायरार्की वहाँ पे होती है। उसके बाद अब इन यूथ क्लब को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, कि क्या था, टू रेंडर कम्युनिटी सपोर्ट थ्रू डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर फोकस ऑन यूथ एम्पावरमेंट। इस गाइस सिंपल के यूथ को एम्पावर करने के लिए उसके ऊपर पार्टिकुलर फोकस किसके ऊपर होगा, कि यूथ को क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए और उनको सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद है अगला वाला प्रोग्राम, रिवैम्प्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब ये क्या है, प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का मतलब है एट मैन स्ट्रीमिंग स्पोर्ट एज अ टूल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि यहाँ पे स्ट्रीम मैन स्ट्रीम करेगा स्पोर्ट को, ठीक है, एज अ टूल, ये एज अ टूल होगा किसके लिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है गाइज। अब रिवैम्प्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है, इसका जो मैन स्ट्रीमिंग, इसका जो एम है, इन सबको मैन स्ट्रीम में लाना, ठीक है। इसके बाद जो बेमिसाल यानी कि अनप्रेसिडेंटेड पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो कवर करेगी 1000 जो मोस्ट टैलेंटेड यंग एथलीट होंगे हर साल के,
अक्रॉस सेलेक्ट स्पोर्ट डिसिप्लिन, यानी कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे, कबड्डी में हो गया, खो खो में हो गया, क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल में हो गया, ठीक है, माने कि हर हर एक मतलब कि अलग अलग डिसिप्लिन में जो स्पोर्ट्स के अलग अलग डिसिप्लिन है उसमें 1000 जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, हर एक एथलीट जो है वो सेलेक्ट होगा इस स्कीम के तहत, उसको एक एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगा, उसमें उसको 5 लाख से क्या मिलेगा, उसको एनुअल स्कॉलरशिप, उसको यानी कि सालाना उसको स्कॉलरशिप 5 लाख मिलेगा 8 साल के लगातार, ठीक है, जिस एथलीट को सिलेक्ट करा जाएगा। ये पहली बार जो है, ठीक है, ये पहली बार मतलब कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट यानी कि एथलीट को डेवलप करने के लिए इतना लंबा एक पाथवे उसको दिया गया है, ठीक है। उसके लिए अवेलेबल होंगे जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर होंगे टू एक्सेल इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ताकि वो कम्पिटिटिव स्पोर्ट में अपने आप को एक्सेल कर सके, अपने आप को यानी कि महारत कर सके। तो स्पोर्ट प्रोग्राम जो है ये स्ट्राइव करता है कि प्रमोट करना है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, हर किसी के लिए यहाँ पे स्पोर्ट होना चाहिए, एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस के लिए भी स्पोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगला है गाइस हमारे पास नेशनल सर्विस स्कीम। तो गाइस नेशनल सर्विस स्कीम क्या बताती है देखते हैं। जो प्रेसिडेंट श्री हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने रिसेंटली इसको प्रेजेंट किया है, नेशनल सर्विस स्कीम 2016-17 में इसको उन्होंने क्या किया था, इसको प्रेजेंट किया था, रखा था। तो गाइस ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल सर्विस स्कीम का ये था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स, ये एक अवार्ड्स हैं, इसमें क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिवॉर्ड किया जाएगा किसको, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करेगा, किसके लिए, टुवर्ड्स वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विस, वॉलेंटरी जो कम्युनिटी सर्विस करेगा, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वहाँ पे उसको होगी उसकी, उसको रिवार्ड करा जाएगा। वो उसको रिवार्ड कौन देगा, यूनिवर्सिटीज़ देंगी, सीनियर सेकेंडरी प्लस टू काउंसिल देंगी, NSS यूनिट्स देंगे, प्रोग्राम ऑफिसर्स NSS वॉलेंटियर्स उनको ये क्या करेंगे, ये अवार्ड यहाँ पर देंगे। उसके बाद NSS इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अब गाइस एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अभी थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको मैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में क्या होता है देखिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है इसमें टोटल शेयर जो होता है वो सेंटर का होता है, टोटल शेयर यानी कि 100% शेयर जो है वो सेंटर का होता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ रेशियो होता है, या 60-40 का होगा, ठीक है, या हमारा 50-50 का होगा, या 70-30 का रेशो होगा, यानी कि इसमें आधा सेंटर का होता है आधा स्टेट का होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब NSS जो है ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, आपको इसको याद रखना है। स्कीम को लॉन्च किया गया था 1969 में, ठीक है, इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, अब क्या था, डिवेलपिंग द पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, पर्सनैलिटी करेक्टर को क्या करना है यहाँ पे डिवेलप करना है, किसकी, स्टूडेंट यूथ की, कैसे, थ्रू वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विस। आपके एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन गाइस अब यहाँ पे स्कीम थी इंपॉर्टेंट, मैंने आपके डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो होगी NSS की वो इंस्पायर होती है किससे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से, किससे होती है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से। अब NSS का जो मोटो है, नॉट मी बट यू, मैं नहीं लेकिन तुम, ठीक है। NSS इज इम्प्लीमेंट हो रही है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक जगह पे ये क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है। तो गाइस देखते हैं अगली वाली स्कीम हमारी क्या है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। वैसे हिंदी वर्ड है, उर्दू वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये वर्ड याद रखना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। अभी क्या है, कार्यक्रम एक फंक्शन होता है, ठीक है, सशक्तिकरण होता है किसी को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, एम्पावर करना। राष्ट्र को तो आप समझते हैं, राष्ट्र क्या होता है, नेशन, युवा होता है यूथ, ठीक है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा, ठीक है, और स्पोर्ट्स के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री, कंट्री के यूथ को एम्पावर करना है जिससे कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, ठीक है। जो एक ऐसी अम्ब्रेला स्कीम है जो कॉन्सॉलिडेट करती है किसको, नेहरू युवा केंद्र संगठन को, नेशनल यूथ कॉप्स को, यानी कि जो NYCs होते हैं,
इनको 2 साल के लिए लगाया जाता है इसमें, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। तो गाइज ये सब अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत ये सब स्कीमें आती हैं। अगली स्कीम है हमारे पास मिशन 11 मिलियन, मिशन 11 मिलियन। अब ये क्या है देखते हैं। विद द विजन ऑफ मेकिंग फुटबॉल द स्पोर्ट ऑफ चॉइस ऑफ इंडिया। अब फुटबॉल को एक चॉइस ऑफ इंडिया का स्पोर्ट बनाने के विजन में क्या हुआ, मिशन 11 मिलियन शुरू किया गया। बिगेस्ट स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम था, लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने, इसको गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया, इस किस्म का पहला वाला था ये। और ये प्रोग्राम क्या करेगा, इनक्रेज करेगा चिल्ड्रन को किसके लिए, कि वो गेम फुटबॉल की गेम खेले। मिशन 11 मिलियन से आप याद रखना कि इसमें क्या होगा, फुटबॉल के गेम, फुटबॉल के रिलेटेड यहाँ पे मिशन था। ठीक है गाइस, क्या होगा इस किस्म की पहली वाली ये स्कीम थी प्रोग्राम जो इनक्रेज करेगा चिल्ड्रन को खेलने के लिए, ठीक है, जिससे कि उनकी एक हेल्दी मतलब कि हैबिट हो जाए उनको, और यहाँ से अच्छे इंपॉर्टेंट लाइफ के लेसन भी सीखें, और टीम वर्क में और किस तरह से काम करना होता है, और स्पोर्ट्समैन का सेपरेट क्या होता है, अब अप्रोच जो होगी यहाँ पे वर्क करने की, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल जो होंगे और स्पोर्ट्स टीचर जो होंगे वो इनक्रेज करेंगे और इंसेंटिवाइज करेंगे बच्चों को, ताकि वो क्या करें, टू देम टू मेक चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल गेम्स ऑन रेगुलर बेसिस, जिससे कि वो फुटबॉल को रेगुलर बेसिस पे क्या करें, अपनी एक गेम बनाएं। इसका एम था कि बच्चों में क्या करना है, एक पैशन जज्बा लाना लोगों के अंदर, ठीक है, जज्बे को इंस्टिल करना किसके लिए, फुटबॉल के लिए, इन 11 मिलियन चिल्ड्रन यानी कि 11 मिलियन बच्चों में हर एक कंट्री के हर एक हिस्से से। मिशन 11 मिलियन जो है ऑल्सो इक्विप्स क्या करता है, पेरेंट्स को और स्कूल्स को, उनको इक्विपमेंट भी देता है और नॉलेज भी देता है अबाउट हाउ टू मेक रेगुलर प्ले एंड रियलिटी फॉर देयर वर्ल्ड्स, ठीक है, और किस तरह से उनको रेगुलरली इस चीज़ को खिलाना है, ठीक है, और अपने बच्चों की मतलब की रियलिटी में इसको घुसा देना है, ठीक है, घुसाना किस तरह है, मतलब बच्चों को आदत डाल देनी है। तो गाइस ये था हमारा सेट 3 जिसमें मैंने डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि इसका जो मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो गाइस ये हैं किरण रिजिजू। इसको याद रखिएगा, ठीक है गाइस, तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपने यहाँ पे जो स्कीम्स मैंने डिस्कस करी वो आपको याद रह चुकी होंगी। वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एज ऑलवेज़।